आप लोगों ने हमारे चैनल पे हमें बहुत सारी गाड़ियां रिस्टोर एंड कस्टमाइज करते हुए देखा होगा। हमने 10 साल पुरानी गाड़ियां भी बनाई हैं, 15 साल पुरानी गाड़ियां भी बनाई हैं, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 9 दिन पुरानी सुजुकी अर्टिगा। इस गाड़ी को हम कम्प्लीटली रिपेंट करने वाले हैं, और रिपेंट क्यों करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाड़ी कल्याण रजिस्टर्ड है और कस्टमर अपनी गाड़ी पर ब्लैक कलर करना चाहते थे, बट क्योंकि सुजुकी अभी ब्लैक कलर बनाता नहीं है तो उन्होंने सोचा कि इसको अभी मैं पेंट ही करा लूँ। मैंने उन्हें रैपिंग एंड पेंटिंग दोनों ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने बोला नहीं, आई एम वेरी श्योर कि मुझे मेरी गाड़ी पर परमानेंटली ब्लैक कलर चाहिए। तो देन वी डिसाइडेड कि हाँ, हम इसे ब्लैक कलर में पेंट कर देंगे। जो कलर हमने डिसाइड किया है वो है BMW का सफायर ब्लैक, और ये बहुत ही सुंदर कलर इस गाड़ी पर निखर के आने वाला है। आज हम वीडियो आपको थोड़े अलग ढंग से दिखाएंगे, मैं आपको एक एक प्रोसेस पूरा कोशिश करूंगा टाइम लैप्स में दिखाने की। वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है और इसके बारे में हम आगे और बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS बोथ। सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी का कलर चेंज करने की ज़रूरत किसे है। तो यूजुअली जब हम कार कंपनीज की बात करें तो एक पर्टिकुलर मॉडल में सिलेक्टिव कलर्स आते हैं। चाहे आप BMW की गाड़ी देखो या चाहे आप मारुति सुजुकी की, कोई भी पर्टिकुलर मॉडल में 5 to 6 कलर ऑप्शंस आपको यूजुअली मिलते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी का कलर कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको फैक्ट्री से यूजुअली नहीं मिलता। तो अगर आप ब्लैक कास्ट के शौकीन है या येलो आपका फेवरेट कलर है, या अभी रैपिड में जैसे आपने मेरी गाड़ी में देखा मैंने लैम्बोर्गिनी का कलर में पेंट किया गाड़ी को, इस तरीके के कलर्स अगर आपको पसंद है तो ये कलर्स आपको कभी भी फैक्ट्री से नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा कलर पसंद है तो आप अपनी गाड़ी पर चाहे वो नई हो या पुरानी कलर चेंज करके उसे अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और खासकर अगर आप अपनी नई गाड़ी पर एक प्रोफेशनल लेवल का काम कराते हैं तो वो गाड़ी रीपेंटेड नहीं कहलाएगी। रीजन बीइंग, अभी फैक्ट्री से करीबन 80-90 माइक्रोन थिकनेस का पेंट आता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई डेंट नहीं है बॉडी पे और कहीं भी पुट्टी का काम नहीं है, बेसवर्क का काम नहीं है। तो यहाँ पर हम सैंड डाउन करके डायरेक्टली ही इधर प्राइमर स्प्रे करके पेंट करेंगे, और या फिर हम डायरेक्टली बेस कोट एंड क्लियर कोट का एप्लीकेशन करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो शेड हम अभी गाड़ी पर अप्लाई करने वाले हैं उसमें और जो पुराना शेड गाड़ी पर किया गया था उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी का एग्जिस्टिंग कलर काफ़ी डार्क टोन में था तो हम लोगों को प्राइमर एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने सीधा बेस कोट एंड क्लियर कोट एप्लीकेशन किया है। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा कि प्राइमर गाड़ी पर क्यों नहीं मारा जब वो बॉन्डिंग में हेल्प करता है, तो नीचे जो गाड़ी का कलर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलर है। यूजुअली प्राइमर का एप्लीकेशन तब लगता है जब या तो नीचे पुट्टी का काम किया गया हो या अगर गाड़ी रीपेंट है और उसमें जो पेंट का क्वालिटी यूज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली क्लियर कोट के ऊपर सैंड करके बेस कोट एंड क्लियर कोट का एप्लीकेशन कर सकते हैं, इससे पेंट की DFT रीडिंग भी नहीं बढ़ेगी। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो पेंट थिकनेस वॉज अबाउट 80-85 माइक्रॉन स्टैंडर्ड, और जब ये काम हमने पूरा खत्म कर दिया तो अबाउट 70-180 माइक्रॉन्स की थिकनेस हो गई, जिसको मैं मानता हूं ये एक छोटा सा एडवांटेज है, क्योंकि पेंट का थिकनेस जब ऐसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आगे चल के रस्टिंग होने का चांस भी काफी कम हो जाएगा, बिकॉज पेंट प्राइमरली इज एन एंटी रस्ट कोट और ये बाद में यूज किया जाने लगा लुक्स कस्टमाइजेशन के लिए।
दूसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी पर कलर चेंज कराने का डिसाइड करते हैं तो आपको किस तरीके की सर्विस अवेल करनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हमने गाड़ी के सारे पैनल्स खोल दिए, सारे रबर बिडिंग, ट्रिम्स, वेदर स्ट्रिप्स, हैंडल्स सब अलग कर दिया। देखिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल जॉब करने के लिए जरूरी है। हाँ, जब सारे ट्रिम्स खोले जाएंगे तो गाड़ी का पेंट करने का कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाता है, इसमें टाइम फ्रेम भी बढ़ जाता है, बट इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी का डोर पेंट किया जा रहा है बिना हैंडल खोले तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि हैंडल के अंदर के साइड में रफ एरियाज रह जाते हैं या कवरेज प्रॉपर नहीं होता। अगर आपके दरवाजे की वेदर स्ट्रिप बिना खोले पेंट किया जाता है तो वहां पर एक एज मार्किंग हो जाती है पेंट की, जो आगे चल के क्लियर कोट वहां से फटने का चांस भी होता है। अगर हम हेडलाइट्स एंड टेललाइट्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं तो फेंडर्स और बोनेट्स के अराउंड भी रफ एरियाज रह जाते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल लेवल के काम की बात करें तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके से सारे पैनल्स को खोल के सभी जगह पर पेंट का प्रॉपर कवरेज दिया जाए। मैं आपको इन्हीं कस्टमर का एक एग्जाम्पल देके कुछ समझाना चाहूंगा। तो ये हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारे पास आए थे। जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि बाहर भी इन्होंने पेंटिंग का कोटेशन लिया है, कुछ बड़े सर्विस एग्रीगेटर से भी इन्होंने कोटेशन लिया है और बहुत जगहों पर इन्हें 45,000 to 50,000 रुपीज का कोटेशन दिया गया। जब इन्होंने मुझे बताया कि इतना कम कोटेशन इन्हें दिया गया है तो मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आपका बजट उतना ही है? अगर ऐसा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी पर कलर चेंज करो ही ना, क्योंकि देखिए जब भी आप अपनी नई गाड़ी पर कुछ इस तरीके का काम करवाते हैं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सफाई से किया जाए। अगर आप अपनी नई गाड़ी पर खराब क्वालिटी का पेंट अप्लाई कर देंगे या वर्कमैनशिप अच्छी नहीं रहेगी या फिट एंड फिनिश प्रॉपर नहीं रहेगी तो वो गाड़ी की रीसेल वैल्यू को अच्छा खासा इफेक्ट कर सकता है और आपके नई गाड़ी खरीदने का मूड भी पूरा खराब हो जाएगा। बात यहाँ पर सिर्फ पेंट मटेरियल्स की नहीं आती, ऑब्वियसली जब आप ज्यादा प्राइसेस देकर अपनी गाड़ी पर काम कराते हैं तो आपकी गाड़ी पर अच्छा पेंट मटेरियल तो यूज किया ही जाता है, बट जो दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वर्कमैनशिप उससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम एक अच्छी टीम को लो ग्रेड का मटेरियल भी पकड़ा देंगे ना तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स गाड़ी पर लाके दिखा सकते हैं। हाँ, फर्क ये होगा कि वो रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, बट अगर अब एक खराब पेंटिंग टीम को अच्छे से अच्छा मटेरियल भी लाके दे दे तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स लाके नहीं दिखा सकते। मैं ये मेरे वर्कशॉप के लिए नहीं बोल रहा, बट इन जनरल कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी वर्कशॉप अगर अच्छी क्वालिटी का काम दे रहा है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे रॉ मटेरियल्स जो कंपनी बना रही है हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, हम लोग सस्ते के चक्कर में अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं एंड आगे चल के यही प्रोडक्ट्स यही कंपनीज इंडिया एग्जिट कर देती हैं। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स की दुकानें बंद हो जाती हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हम अपने कस्टमर्स को दे सके। हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज करने में और सेकेंड क्वालिटी का मटेरियल यूज करने में एंड फिनिश जो है वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं आती, दोनों में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। डिफरेंस जो आता है वो आता है लॉन्जिटिविटी में। तो जहां पर बाइलक्स या डुक्सॉन में अगर हम गाड़ी को पेंट करते हैं तो एक एवरेज लाइफ अबाउट 1.5 इयर्स टू 2 इयर्स के आसपास है, और अगर हम थर्ड ग्रेड क्वालिटी पेंट में गाड़ी को पेंट करें तो 1 साल के आसपास एवरेज लाइफ मिलती है। वहीं पर क्रोमैक्स में या ग्लासोरेट में या पीपीजी ऑटो कलर 2K में अपनी गाड़ी को जब आप पेंट करते हैं तो आपको OEM लेवल की क्वालिटी जो है और लॉन्जिटिविटी मिलती है। अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये पेंट आपको सालों साल फेडिंग का प्रॉब्लम नहीं देगा। ऑब्वियसली यूजेज के साथ पेंट जो है थोड़ा डल होता है, बट फॉर दैट हमारे पास डिटेलिंग का ऑप्शन है। अगर इम्प्रॉपर तरीके से गाड़ी को क्लीन किया जाता है तो डिटेलिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग करके गाड़ी का शाइन वापस रिस्टोर किया जा सकता है। बट अगर पेंट एक बार फेड हो जाए या क्लियर कोट फेलियर अगर एक बार हो जाए लो क्वालिटी पेंट होने की वजह से तो आप अपनी गाड़ी पर डिटेलिंग करके उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको वो पैनल वापस से पेंट कराना पड़ेगा। हम लोगों ने जब अपनी वर्कशॉप
आप लास्ट अपग्रेड की थी और वर्कशॉप में मिक्सिंग स्टेशन डाला था, तो हमारे लिए एक आइडिया पहले से बहुत ज्यादा क्लियर था। हमें जो भी काम करना है वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी मटेरियल्स में करना है, और जो एंड रिजल्ट्स भी हमें अपने क्लाइंट्स के लिए लाके देने हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट लाके देने हैं। मैं मेरी टीम को हमेशा ये समझाता हूँ कि हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, और तुम अगर अपने काम से खुश हो और तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे काम से खुश नहीं है तो इट डजंट मैटर, क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग दुनिया में हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये सवाल हमें बहुत ज्यादा आता भी है, कि क्या गाड़ी पर कलर चेंज कराना लीगल है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो बहुत स्टेट्स में ये लीगल है। अभी जैसे मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दूं, आपको आरटीओ से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है आपकी कोई भी कलर की गाड़ी पर। अगर आप कोई डिफरेंट कलर कराना चाहते हो तो आप आरटीओ में रिक्वेस्ट सबमिट करते हो कि मैं अपनी गाड़ी इस कलर में पेंट करवाना चाहता हूं। आरटीओ से जब आपको अप्रूवल आ जाता है तब उसके बाद आप अपनी गाड़ी का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको गाड़ी वापस एक बार इंस्पेक्शन के लिए देनी पड़ती है, जहां पर नई आरसी पर आपको नया कलर एंडोर्स होकर आपके घर तक आ जाएगा। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूं। तो अगर आपने हमारा पोलो का वीडियो देखा होगा तो हर्षल जो हमारा मीडिया टीम का मेंबर है, उसकी गाड़ी व्हाइट थी और हम लोगों ने उसको चेंज करके लैम्बोर्गिनी के वर्डे एरमेस में पेंट किया, जो कि ग्रीन कलर का शेड था। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं हर्षल की आरसी की पुरानी कॉपी, और ये जो नया आरसी का कॉपी हर्षल के पास आया है, आप इसमें देख सकते हैं कि नया कलर आरसी पर मेंशनड है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत हेडेक होता है और आपको अपनी जेब से थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, बट अगर आप अपनी गाड़ी को कस्टमाइज करना चाहते हो और आप बाद में कोई लीगल हैसल नहीं चाहते तो ये कराना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आरसी में कलर एंडोर्स होने के बाद आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इसे अपग्रेड कराना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का कलर चेंज करा लेते हैं और आप उसको अपने इंश्योरेंस में चेंज नहीं कराते, कल को अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है। पर ये जो कलर चेंजिंग का प्रोसेस है ये हर स्टेट में नहीं है। अभी पर्सनली तो मैंने जाके हर स्टेट के पॉलिसीज चेक नहीं किए हैं, और एक्चुअली लॉज थोड़े से ग्रे एरियाज में भी हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा क्लियरली कहां पर क्या एग्जैक्टली लॉ फॉलो हो रहा है। बट जितना मुझे मालूम है कि दिल्ली में कलर चेंज कराना लीगल नहीं है, आपकी गाड़ी का जो कलर है आप उसको चेंज नहीं करा सकते हो। बट अगर आपको इसके सही डिटेल्स चाहिए तो आपका लोकल आरटीओ वुड बी द बेस्ट प्लेस जहां से आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं बहुत सारे लग्जूरियस कार ब्रांड्स की, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, फरारी हो गया, तो ऐसी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देती हैं। आप अपनी गाड़ी का इंटीरियर भी अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो, आप अपनी गाड़ी का कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बट जब हम बात करते हैं हमारे एवरीडे रेगुलर ब्रांड्स की, जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, ह्यूंडई, टाटा या महिंद्रा, ये सब कंपनीज अपने क्लाइंट्स को ऑप्शंस नहीं देती गाड़ी कस्टमाइज करने के। और यहां पर आते हैं हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अगर आप ह्यूंडई की बॉडी शॉप विजिट करोगे और अगर आपको बाय चांस उनका पेंट मिक्सिंग स्टेशन देखने का मौका मिलता है, तो आप नोटिस करोगे वहां पर जो कलर के टिंटर्स
शेयर्स हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं। ये इसलिए होता है कि वहां पर उन्हें वही 6 से 7 शेड्स हमेशा बनाने हैं जो हुंडई अपनी गाड़ियों पर अवेलेबल करता है। पर आप अगर यहीं पर हमारी वर्कशॉप का पेंट मिक्सिंग स्टेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा रैक जो है वो कलर टिंटर्स से भरा हुआ है। आई थिंक हमारी वर्कशॉप में जितने ज्यादा टिंटर्स हैं और पुणे के किसी भी पेंटिंग स्टेशन में इतने ज्यादा टिंटर्स नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सभी ब्रांड्स की गाड़ियों में डील करना पड़ता है। मुझे महिंद्रा के कलर्स भी बनाने हैं, मुझे टाटा के कलर्स भी बनाने हैं, मुझे लैम्बोर्गिनी के कलर्स भी बनाने हैं, मुझे पोर्शे के कलर्स भी बनाने हैं। इन सभी कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग टिंटर्स लगते हैं। कई प्रीमियम कलर्स में स्पेशल टिंटर्स लगते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ऑफर करते हैं तो हमारा जो पेंट मिक्सिंग स्टेशन है उसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टिंटर्स हमेशा अवेलेबल रहता है। पर्सनली मैं मानता हूं कि गाड़ी का जो एस्थेटिक लुक है वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। आज के टाइम में ये सब गाड़ियां इतनी कॉमन हो गई कि मान लीजिए आप एक हैरियर लेते हैं तो और लाखों लोगों के पास भी वही हैरियर है। पर अगर आप अपनी गाड़ी को अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज करा देते हो तो इट बिकम्स वन ऑफ वन। आपकी गाड़ी में आपकी इंडिविजुअलिटी छलकती है। एंड आई थिंक जितना कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शंस है वो कार ओनरशिप के पूरे एक्सपीरियंस को और ज्यादा प्लेजेंट बना देता है। बात करूं अगर मैं इस प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग की तो अर्टिगा जैसे साइज की 7 सीटर गाड़ी का अगर कलर चेंज आपको हमारी वर्कशॉप में कराना है तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1,10,000 प्लस GST है। इसमें गाड़ी का ओपनिंग, फिटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग एंड डिटेलिंग जॉब के पूरे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। बट क्योंकि इस गाड़ी पर डेंटिंग का काम नहीं था और बेसवर्क का काम भी नहीं था तो हम लोगों ने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया और इस पूरे प्रोजेक्ट का पेंटिंग कॉस्ट जो है वो 95,000 प्लस GST में हमने फाइनल किया। हम अपनी सर्विसेज पर वैसे डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं, बट हाँ अगर आपकी गाड़ी भी ऐसी ही क्लीन कंडीशन में हमारे पास आएगी तो यू विल ऑल्सो बी रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड प्राइसिंग।
चलिए अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी के फाइनल शॉट्स और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव।